महाराष्ट्र की सियासत में एक आज बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। एनसीपी नेता अजित पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। इसके साथ ही उनके 9 विधायक भी शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके साथ पार्टी के 18 विधायक हैं, लेकिन जो शरद पवार का गुट है उसके लिए झटका माना जा रहा है। इसके अलावा अजित पवार के गुट ने दावा किया है कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है। भाजपा शिवसेना गठबंधन को समर्थन देने और सरकार में शामिल होना अजित पवार का फैसला 2024 से पहले विपक्षी एकता के लिए एक झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अब हमारे पास एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन सरकार अब ट्रिपल इंजन हो गई है। महाराष्ट्र के विकास के लिए अजित पवार और उनके नेताओं का स्वागत है। महाराष्ट्र को मजबूत करने में अजित पवार का अनुभव मदद करेगा। अजित पवार के गुट का दावा है कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है, जो एनसीपी के विधायक है। आपको बता दें कि अजित पवार समेत 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिनमें अनिल पाटिल, धर्मराव अत्रम, सुनील वलसाड़, हसन मुशरीफ, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल, अदिति तटकरे शामिल हैं। इसी बीच शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश में वैचारिक गठबंधन की बात करने वाली आखिरी पार्टी होनी चाहिए। वो सिर्फ राजनीतिक अवसरवादी है जो किसी भी कीमत पर सत्ता चाहती है। महाराष्ट्र में जो विधायक भ्रष्ट थे और जेल गए थे, अब मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। आपको बता दें कि जितने विधायकों ने यहां शपथ ली है, उन पर किसी न किसी मामले पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। उनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही थी। अजित पवार और छगन भुजबल के अलावा दिलीप वलसे पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इन सब के बीच यही एक बड़ा झटका है, क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं दिलीप वलसे पाटिल और उन्हें शरद पवार का करीबी माना जाता है। इसी बीच महाराष्ट्र के इस राजनीतिक घटनाक्रम पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा है कि जो पिछले साल शिवसेना के साथ हुआ है, वही एनसीपी के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन्हें अपने तरीके से चलने दो। शरद पवार से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं मजबूत हूं, हमें लोगों का समर्थन प्राप्त है, हम उद्धव ठाकरे साथ मिलकर फिर से कुछ पुनर्निर्माण करेंगे और जो एक पावर गेम यहाँ चल रहा है, इसे महाराष्ट्र की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से कि जो पिछले साल शिवसेना के साथ हुआ पार्टी में फूट पड़ी है, उसी तरह से अब एनसीपी में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। देखना है, दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में एनसीपी में किस तरह की लड़ाई होगी। क्या अजित पवार पार्टी से अलग होंगे, क्या अजित पवार पार्टी पर दावा करेंगे, या फिर शरद पवार अपनी पार्टी को बचाने के लिए, इस टूट को बचाने के लिए अजित पवार के फैसले का समर्थन करेंगे। शरद पवार की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शरद पवार क्या कहेंगे इस पर सबकी नजर है। इसके अलावा शरद पवार ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। आपको बता दें कि अजित पवार ने आज अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद वो सीधे राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली और महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गए हैं। लेकिन इन सबके लिए बड़ी खबर ये शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पार्टी टूट की कगार पर आ गई है और अब देखना है, दिलचस्प होगा कि क्या 2019 की तरह शरद पवार अपनी पार्टी को टूटने से बचा पाएंगे या नहीं।